नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों अपने नए अवतार को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन शख्स का नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। इस पूरे केस को लेकर ये काफ़ी एक्टिव थे और अक्सर इनकी खबरें सुनने को मिल जाती थी। पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी ऊंचे पद पे काम कर चुके हैं। इसके बाद नेता बनने की कुछ खबरें इनकी सामने आई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है ये आपको भी चौंका देगी। दरअसल अपने बेबाक बयान को लेकर वे अक्सर चर्चा में तो रहा करते थे। अधिकारी से नेता बनने के बाद अब उन्होंने धर्म अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर लिया है और वे अब कथावाचक बन चुके हैं। जी हाँ, अब वो कथाएं सुनाते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। कथा सुनाते हुए वे लोगों को कानून की धाराएं भी समझा देते हैं। लेकिन उनके इस नए अवतार को लेकर सभी हैरान हैं। उनकी कुछ नई फोटोज सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने धार्मिक वस्त्र पहन लिए हैं और इन वस्त्रों में वे कथा सुनाते दिख रहे हैं। उन्होंने अब दुनिया की सारी लोभ माया लगता है छोड़ दी है और अब वो धर्म अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। इसको लेकर उन्होंने कई सारी बातें भी कही। वे कहते हैं कि 14 साल की आयु में हनुमान जयंती जैसे अलग अलग मौक़ों पर वे लोगों को मंदिर में प्रवचन सुनाया करते थे। अध्यात्म में मेरी शुरू से ही रुचि रही है, इसमें नया कुछ नहीं है। सेवा अवधि में भी मैंने कई अनुष्ठानों में हिस्सा लिया, लेकिन ड्यूटी के दौरान ऐसे कथा करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैंने तभी ऐसा नहीं किया था। मेरा मन हमेशा से ईश्वर के साथ जुड़ा रहा है और मेरा मानना है कि ईश्वर के चरणों में जगह पाना इंसान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसमें न्यूज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया का धन्यवाद, उन्होंने मेरी निजी ज़िंदगी को जनता तक पहुँचाया। और हालांकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं चाहता कि ये खबरें बने, इस पर चर्चाएं हो, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है और मैं अब भगवान की भक्ति में लीन हो चुका हूं। तो ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर दिए बयानों को लेकर भी पूर्व डीजीपी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने रिया चक्रवर्ती पे काफ़ी बयान दिए थे और इस वजह से वे काफ़ी सुर्खियां भी बटोरते थे। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने डीजीपी के पद से वीआरएस ले लिया था, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, और उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। चर्चा थी कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों को ये लग रहा था कि अब वे करियर जो है अपना राजनीति में बनाने की सोच रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पे उनका कथा करने का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और अब वो कथावाचक बन चुके हैं। वायरल वीडियो के एक पोस्टर में कथावाचक के तौर पर पूर्व डीजीपी की तस्वीर लगी हुई है और लोगों को जूम ऐप के ज़रिए कथा वाचन से जुड़ने का आमंत्रण दिया गया है। फिलहाल कोरोना के चलते वे जूम ऐप के थ्रू लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीर में पांडे गुरुआ वस्त्र पहनकर भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं और श्रीमद्भगीता कथा सुनाते दिख रहे हैं। इसके साथ दोस्तों पूरी जानकारी इस पोस्टर में आपको मिल जाएगी। इस पोस्टर में जूम आईडी से लेकर पासकोड क्या है ये सारी जानकारी दी है और इस कथा के साथ कोई भी जुड़ सकता है, जिसका मन हो वो इस कथा से जुड़ सकता है। इसमें लिखा है कि ये कथा दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक होने वाली है और इसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, अगर गुप्तेश्वर पांडे की और बात की जाए तो मूल रूप से बिहार के बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी और एडीजी के तौर पर बिहार के 26 जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं। पांडे ने 2009 में बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला तो वे वापस सेवा में आने की अर्जी डाल दे गए। इसे 9 महीने बाद नीतीश सरकार ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने दोबारा वीआरएस ली, लेकिन इस बार भी उनके हाथ निराशा लगी।
तो राजनीति में असफलता मिलने के बाद उन्होंने ये समझा कि वे इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने फिर राजनीति में आगे अपनी ज़िंदगी बिताने का जो उनका फ़ैसला था उसको फिर उन्होंने वापस ले लिया और अब वे जो हैं नई दिशा में निकल चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जब CBI से लेकर तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई थी उस समय बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कई तरह के बयान भी दिए थे जो सुर्खियों में छा गए थे। इस कारण कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया था। उनकी बातों को लोगों ने खंडित भी किया था लेकिन उनकी कई बातों को लोगों ने सपोर्ट भी किया था। वे काफ़ी एक्टिव रहे थे इस पूरे मामले को लेकर और इसको लेकर उन्होंने कई बयान दिए और तभी से ही ये पूरे देश में मशहूर हो गए, लोग इनको जानने शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों जहां तक मशहूर होने की बात है तो ये पहले से ही काफ़ी मशहूर हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे को बिहार का चुलबुल पांडे भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर भी इनको चुलबुल पांडे के तौर पर मशहूर किया गया है। सिंगर दीपक ठाकुर ने उनके लिए रॉबिन हुड बिहार के गाना गाया था जो काफ़ी चर्चा में भी आया था। ऐसा कहा जाने लगा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी छवि को चमकाने के लिए ये गाना बनाया गया था। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि गुप्तेश्वर जो हैं वे बिहार के चुलबुल पांडे हैं, वहाँ के रॉबिन हुड हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पांडे साहब कानून की बातें भी अपनी कथावाचक में सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कथावाचन का वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ। वीडियो में सुना जा सकता है कि कथा के दौरान वे लोगों को कानून की धाराएं बड़े सलीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। कथा के दौरान वो कहते हैं कि आज के समय की कानून व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है। हत्या के बाद उनका उद्देश्य देखा जाता है, अगर किसी के ऊपर पत्थर फेंका जाए और उससे अगले की मौत हो जाए तो उसका मकसद देखा जाता है, अगर उसके पीछे का मकसद ऐसा नहीं मिला तो वो हत्या नहीं मानी जाती है। तो इस तरह की कई तमाम कानून को लेकर वे अपने भक्तों से या अपने व्यूअर से बात करते दिखे। तो हमारे देश में शायद ये पहले ऐसे शख्स होंगे जो कथावाचक के साथ कानून की अच्छी समझ भी रखते हैं। और क्योंकि इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी समय तक काम किया है, काफ़ी समय बिताया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ की अच्छी जानकारी है जो वे लोगों को अब सरल भाषा में समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सारी ज़िंदगी पुलिस में देने के बाद अब पांडे जी जो हैं अपना मन भगवान में लीन करना चाहते हैं, भक्ति में लीन करना चाहते हैं और हम उन्हें इस चीज़ के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपने हमारी आज की खास रिपोर्ट एंजॉय की होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।